बाद अपने दोस्त के जरिए से, जो कि मोहम्मद समीर नाम है, एक और उसका दोस्त है, तीन इंडिविजुअल्स ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक पिटीशन फाइल की है। उस पिटीशन के जरिए से कल जो रिसेंटली जो ऑर्डर हमें मिला है, उस ऑर्डर के तहत प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को गिलगित बल्तिस्तान की चीफ कोर्ट में, गिलगित बल्तिस्तान की सुप्रीम अपेलेट कोर्ट में किसी भी किस्म की अपॉइंटमेंट से रोका गया। अब सुप्रीम अपेलेट कोर्ट के चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट को चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दो जो जज साहिबान है, मौजी जज साहिबान जिनकी समरी गई है, उनकी अपॉइंटमेंट के ऊपर सवाल खड़े किए गए। और इस वक्त जो एग्जिस्टिंग जो जुडिशरी है गिलगित बल्तिस्तान हाईकोर्ट की, इसके ऊपर भी सवाल खड़े किए, इसकी अपॉइंटमेंट को भी रोकी गई। मतलब यह है कि हमारे वजीर आला साहब ने अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में गिलगित बल्तिस्तान के जुडिशियल सिस्टम को रोकने की कोशिश की। और वो इस जुडिशियल सिस्टम को क्यों रोकना चाहता है, सवाल सबसे बड़ा यह है। सवाल पहली बात तो यह है कि उसने इंडिविजुअल कैपेसिटी में पिटीशन फाइल की है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में यह पिटीशन है इंडिविजुअल कैपेसिटी में। अब गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान से बजट ड्रा होता है इस सूट इस पिटीशन के नाम पर। भाई आपने अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में एक पिटीशन फाइल करनी है, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान का 7 करोड़ रुपए ड्रा कैसे हुआ, सबसे बड़ा सवाल यह। ये गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान केस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो केस फाइल है 3, ये केस इंडिविजुअल कैपेसिटी में है अगेंस्ट द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। जाति हैसियत में उन लोगों ने पिटीशन फाइल किए। आपने जाति हैसियत में अपनी अना की तस्कीन के लिए, अपने जज्बात की तस्कीन के लिए, अपने मकासिद के हसूल के लिए आपने एक पिटीशन फाइल की, वो भी सियासी मकासिद के हसूल के लिए। और आपके जो मकासिद है, चूंकि आपके जाली डिग्री के खिलाफ केस इस वक्त पेंडिंग है जज साहिबान के पास है, आप चाहते हैं कि आपके खिलाफ आपकी जाली केस की डिग्री का फैसला ना हो, आप उसको प्रियम करते हैं। तो आपने तमाम वकीलों तमाम जजों की अपॉइंटमेंट को आपने चैलेंज किए, और चैलेंज करने के बाद इंडिविजुअल कैपेसिटी में चैलेंज करके आपने 7 करोड़ रुपए ड्रा किए। सबसे पहली बात यह है कि एंटी करप्शन का इदारा है, एफआईआई का इदारा, इनकी जिम्मेदारी यह बनती है कि फौरी तौर पर पहले इस एक्शन के ऊपर कार्रवाई हो कि यह 7 करोड़ रुपए जो ड्रा हुए हैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में किसी आम फर्द की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए, तो ये 7 करोड़ रुपए इंडिविजुअल केस की फाइलिंग में गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान से ड्रा किस बुनियाद पे हुए, किस कानून के तहत हुए, किस जाब्ते के तहत, जिसने इस समरी के अंदर अपना रोल प्ले किया है। अगर चीफ सेक्रेटरी ने अपना लाइसेंसिंग रोल नहीं दिया, सेक्रेटरी फाइनेंस ने कोई कार्रवाई रोकने में काम नहीं किया, और किसी वजीर ने काम नहीं किया, और कैबिनेट ने नहीं किया, ये तो क्रिमिनल केस है, इसके ऊपर इंक्वायरी होगी। दूसरी बात यह है, ये जो जो बेंच बनाया गया, ये बेंच फैसल चौधरी के कहने में बनाए गए। फैसल चौधरी इस बेंच को मैनेज करने में उसका रोल प्ले किया, तो एक ऐसे बेंच के पास क्यों गए? अब गिलगित बल्तिस्तान के जो जो जजमेंट आई है 2019 में साकिब निजाम साहब की सरबराई में, उस जजमेंट के इंप्लीमेंटेशन के ऊपर बहुत एक और बेंच बना हुआ है, उस बेंच के पास ये केस क्यों नहीं गए? और गिलगित बल्तिस्तान के फंडामेंटल राइट की जो जजमेंट आई उसकी इम्प्लीमेंटेशन का केस भी मतलब एक सुप्रीम कोर्ट के बेंच के पास मौजूद है, उसके अंदर मुख्तलिफ अपॉइंटमेंट्स के सवाल जो बेंच का हिस्सा बनाए गए सिविल एविएशन अथॉरिटी वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। अब उस इस केस को से हल करके दो मेंबर साहिबान के पास आता है, और मेंबर साहिबान ने भी मौजूद जज साहिबान ने भी आओ देखा ना ताओ देखा, गिलगित बल्तिस्तान के जुडिशियल सिस्टम को उसी दिन स्टे कर दिया, आपने चीफ कोर्ट भी स्टे कर दिया, आपने गिलगित बल्तिस्तान के सुप्रीम अपेलेट कोर्ट को भी स्टे कर दिया। अब ये गिलगित बल्तिस्तान के अवाम अपनी दादरसी के लिए, अपने इंसाफ के असूल के लिए जाए कहाँ, और किस वजह से स्टे हुआ? मैं एक फर्द की तस्कीन नहीं हुई है, एक इंडिविजुअल के अना की तस्कीन के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इंटरवीन करती है, सिर्फ एक यूथिया की ख्वाहिश पूरी नहीं हुई है। गिलगित बल्तिस्तान के 20 लाख अवाम है, यहाँ के अवाम के लिए जो ये फंडामेंटल राइट्स हैं, वो 70 साल से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से दरवाजा अंदर चलाते रहे। क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कभी गिलगित बल्तिस्तान के 20 साल
क्या कोई बात हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आज तक सुनी जो जोन गिलगित बल्तिस्तान में होता रहा तभी सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा रिस्ट्रेंट शो किए तो इस इशू के ऊपर एब्रप्टली आके रातों रात मतलब आपने स्टे ऑर्डर जारी किया और स्टे ऑर्डर के अंदर भी आपने सुप्रीम अपेलेट कोर्ट और चीफ कोर्ट की अपॉइंटमेंट को रोका चीफ कोर्ट के अंदर जो तीन मौजूदा साहबान थे जिनकी कंफर्मेशन होनी थी या रिलीव होना था या एक्सटेंशन ऑफ सर्विस होनी थी इसकी सबनी गई प्राइम मिनिस्टर ने वन ईयर की एक्सटेंशन कर दी तो मौजूद जज साहबान ने कहा नहीं हमारी कंफर्मेशन होनी चाहिए थी हमने वो बात भी सुनी उनकी कंफर्मेशन की समरी भेज दी अब फर्ज है का बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जजमेंट देती है उस जजमेंट के नतीजे में उनका केस दोबारा प्राइम मिनिस्टर के पास जाता है प्राइम मिनिस्टर के पास फिर तीन ऑप्शन है एक्सटेंशन करे रिलीव करे या कंफर्म करे फर्ज है का बारे में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रिलीव करता है तीन जज साहबान को रिलीव करता है उस सूरत हाल में तो ये तो लेने के देने पड़ेंगे वो एक फसाद चाहता है ये कठपुतली मतलब इसको आप सिंपल ना लें खालिद मुर्शिद साहब को बहुत मतलब लाइट ना लें उसने ये जो बेंच बनवाने में जितनी जितनी कोशिशें की है स्टे लेने में जो कोशिश की है और आज गिलगित बल्तिस्तान के जुडिशियल सिस्टम के अंदर जो शबकून मारा है ये इसके पीछे कहानी है इसके पीछे उसके जाति केस लगे हुए वो अपने जाति केसेस में रिवेंज चाहता है वो जाति केसेस में अदालतों को जजों को दबाव में रखना चाहता है और उस दबाव के जरिए से अपने मन पसंद फैसले लेना चाहते हैं बहुत सारे केसेस अदालतों में पड़े हुए तो ये इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करके गिलगित बल्तिस्तान के अदालती निजाम को जाम करने की कोशिश की कि ये इस पे हम सब मुतफिका तौर पर मुजम्मत करते हैं हम मुतालिबा करते हैं लता बंदियाल साहब से कि फौरी तौर पर बेंच चेंज करें उसी बेंच के पास ये केस भेज दें जिनके पास हमारी सिविल एविएशन अथॉरिटी और वर्सेस फेडरेशन पाकिस्तान के सारे इश्यूज वहां पे जिस वक्त कलप्ट है और टेकअप है वहां पे जाके इस केस का मेरिट पे देख लें गवर्नेंस ऑर्डर के अंदर क्लियर है गवर्नेंस ऑर्डर क्लियरली ये कहता है कि गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान की रिकमेंडेशन होगी प्राइम मिनिस्टर की डिस्क्रिशन है उसकी रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है अब वजीर आला साहब कहते हैं मुझसे पूछे भाई आपसे पूछना था तो गवर्नेंस ऑर्डर के अंदर आपकी प्रोविजन डाल दी थी प्रोविजन में तो मौजूद नहीं है तो ये सुने बगैर किया गया और ये ज्यादती की गई गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के साथ इंसाफ के ऊपर शबखून मारा गया तो हमारा मुतालिबा यह है कि 15 तारीख को स्टे वैकेंट भी होना चाहिए और यह बेंच भी तब्दील होनी चाहिए और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के साथ जो खिलवाड़ शुरू हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो कंधा इस्तेमाल किया गया मैं बाहर आता हूं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को आपके पास हमारे बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स की केसेस पड़े हुए कभी हमने आपकी तनदेही नहीं देखी कभी हमने इंटरवेंशन नहीं देखा आपका अब आप जब कोई हमारी छोटी मोटी लोगों के इश्यूज है अदलिया से डिस्पेंसेशन हो रही है उसको भी आप हेम्पर करेंगे उसको भी आप रोकेंगे तो उस सूरत में एक ह्यू एंड क्राई की कैफियत होगी इस खालिद खुर्शीद के नरगे में ना आए इसकी बातों को ना सुने ये ना हो कि यहां से कोई और आवाज निकले इसकी बातों को अगर आप सुनते हुए आप कोई काम करेंगे सूरत फिर गिलगित बल्तिस्तान में गंभीर होगी इसकी फिर तमाम दर जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर इसलिए हम यहां पर जमा हुए आपके सामने हम गुजारिश करेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान के ज्यूडिशियल सिस्टम को जिस तरह मलाइन करने की कोशिश की गई है जिस तरह सिस्टम को रोकने की